मेरा नाम नसरुद्दीन है और मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं जोधपुर की जेल में मेरा यहाँ धंधा बिजनेस चलता था। बिजनेस धंधा चलता था तो मैं मतलब ये कि निर्दोष मैं और मेरे बेटा को 376 बलात्कार केस में हम दोनों बाप और बेटे को फंसा दिया। उसके बाद में हम जोधपुर की जेल में आ गए। जोधपुर की जेल में आने के बाद में हमें पता लगा कि हाँ आसाराम बापू भी जेल के अंदर है। तो मेरे दिल के अंदर बहुत तड़प थी, अगर पूरा वर्ल्ड में उसका नाम है, मैं भी उसको देखना चाहता हूँ भाई बापू कौन है। तो मेरे को जब पता लगा तो सरकारी हॉस्पिटल अंदर सरदार बैठता, वहाँ जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वहाँ जाना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने बताया कि खान साहब जी ये बापू मोहम्मद, एक दिन बड़ा खुश हुआ, अच्छा हट्टा कट्टा, अच्छा तंदुरुस्त, बहुत बेहतरीन रंग रूप मैंने देखा। मैं वहाँ पहुँचा तो उससे जाके मैंने उसका पैर छुआ। पैर छूने पर उसने कही बैठो। बापू बोला कि बैठो। मैंने कि देखिए बापू, मैं जाति का एक मोमडन हूँ, मुसलमान हूँ, इसलिए मैं आपके पास में नहीं बैठना चाह रहा। आप ऐसे ना हो कभी नाराज़ हो जाए, नहीं बैठो, मेरे लिए कोई मजहब कोई धर्म नहीं है, बैठो। मैं झट रो पड़ा, वास्तव में मेरी आंखों में से आंसू आने लगा। यानी कि क्यों रोता है बोल, क्या परेशानी है, किस केस में किस जुर्म में आए हो? मैं बोला बापू मैं 376 बलात्कार केस में मुझे मेरा बेटा और मेरे को फंसाएगा और पीछे मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ना कोई भाई है ना कोई कुटुम कबीला है ना परिवार है जो मेरे को कोई छुड़ा दे। अब मेरे को ये बताओ, लोग कहते हैं कि बापू मतलब बहुत एक बड़ा संत है, मैं जब मांगूंगा, जब आप ये मेरे को बताएंगे मेरी जेल से मैं कब बाहर जाऊँ? आंसू बंद करो फिर बता। तो मैंने अपने आंखें आंसू इस तरीके से बंद करा कि पहली बार ये शुरुआत की कहानी थी। उसके बाद मैंने यहाँ हाई कोर्ट में मेरी फाइल लगा रखी, वो सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी, सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। उसके बाद में क्या काम हुआ मेरी यहाँ फिर बड़ा कोर्ट में लगाई। अब जब खारिज कर दी तो मेरे को तो यकीन गया कि भाई अब तो तेरी जमानत तो होना से रही। और दूसरे दिन मैंने उसका सवाल कर दिया खारिज होने के बाद में। दूसरे दिन वो बोला देखिए रो मत घबराओ मत, याद रखो ऊपर वाले को, आपकी जमानत तो क्या हफ्ता के अंदर अंदर तू तेरे घर पहुंच जाएगा बच्चे के पास। अब मेरे दिल के अंदर यकीन नहीं आया, तेरी कल जमानत खारिज हुई है तू हफ्ते के अंदर कैसे चला जाएगा? ऐसी कृपा हुई बापू की, ऐसी कृपा हुई मैं कसम खा के कहता मेरे भाई। आठवें दिन करेक्ट मेरी मतलब जमानत का मेरे को ये मालूम पड़ गया कि तेरी आज की मैं पेशी पे गया था, उस दिन मेरी 26 तारीख थी शायद, और उसी तुरंत ही उसी पेशी पे मेरी आठवें दिन मेरी मतलब जमानत। मेरे दिल के अंदर शाम को बात आई कि यार वास्तव में बापू ने जो कहा आज 8 या 9 दिन हुए मेरी तो जमानत हो गई। तो मेरे दिल के अंदर एकदम से उमंग बढ़ी, वास्तव में कोई संत है, कोई मानने के लिए काबिल आदमी है। जब तक मेरे विश्वास नहीं था लेकिन जमानत होने पे मेरे को यकीन आया। तो देखिए मेरी नज़र में जहाँ तक आया तो बापू का मेरे दिल के अंदर ये है कि जैसे मैं निर्दोष आया जेल के अंदर उसी तरीके से निर्दोष मेरे को बापू दिया। मैं बार बार मैं सबसे हाथ जोड़कर इसी बात को कहूंगा, जितना बापू से जुड़े हुए हैं मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सारे भाई से, वो कभी भी बापू से मतलब दूर नहीं हो, उसका उसी दामन को पकड़ी रखे। वास्तव में शक्ति है,